जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा दशहरे के बारे में। आखिर क्या है दशहरे का इतिहास जो हमारे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही प्यार से मनाया जाता है। दोस्तों कुछ लोगों को तो यही पता होगा कि राम ने रावण को मारा था तो दशहरा हमारे भारत में मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। असली जानकारी आप लोगों को आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्या है दशहरे का इतिहास, क्या है दशहरे का महत्व जो हमारे भारत देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं इसको। दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि दशहरे का नाम असली विजयदशमी है, जो कि कोई ना कोई भाई को यहाँ पर पता भी होगा। विजयदशमी का नाम बदलकर दशहरा रख दिया गया, जो कि पूर्ण रूप से बौद्ध वृद्ध त्यौहार था, जिसको ब्राह्मण लोगों ने अपना ब्राह्मीकरण कर करके कब्जा लिया था। दशहरे का असली नाम अशोक विजयदशमी इसलिए था क्योंकि जब भारत पे अशोक सम्राट का शासनकाल चल रहा था, तब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ही तेजी से कर रहे थे, और जब ब्राह्मणों को ये पता चला कि अब हमारा कत्ल होने ही वाला है, फिर क्या था, ये बात ब्राह्मण लोगों को हजम नहीं हुई। ब्राह्मणवादी लोग दशहरे को दो तरह से मनाते हैं। पहला, सत्य पर असत्य की जीत, यानी राम ने रावण को मारा, और दूसरा कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया। दोस्तों एक झूठ छुपाने के लिए कई गलतियां कर बैठते हैं ये मनुवादी लोग। हमारे जो 10 मूल निवासी राजा थे, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सालुसुक्त मौर्य, देवक्ष मौर्य, दशरथ मौर्य, देवदत्त मौर्य, और आखिर में जो हमारे मूल निवासी राजा थे वेदरथ मौर्य, जिन्हें ब्राह्मण लोगों ने धोखे से मरवाया था और इसे विजयदशमी से दशहरे का नाम दे दिया। दशहरे की हम बात करें तो पहले इन मनुवादी लोगों ने रावण की हत्या राम से करवाई, और राम फिर विज्ञान की नज़र से देखें तो किसी भी इंसान के 10 सिर नहीं हो सकते। इन्होंने रावण के 10 सिर इसलिए लगाए क्योंकि इन ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे 10 राजा धोखे से मारे थे। दूसरा बड़ा झूठ यह है, जिस दिन राम ने रावण की हत्या की थी वो सत्य नहीं है, वो किसी और दिन की थी। तो फिर इन मनुवादी लोगों ने विजयदशमी का नाम दशहरा क्यों रखा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग जरा गौर से सुनिए, दशहरा यानी 10 हारा, इसीलिए इन ब्राह्मणवादी लोगों ने इसका नाम दशहरा रख दिया। उस 10वें राजा को मरवाने के लिए एक ब्राह्मण ने इसका नाम दशहरा रख दिया, जिसका नाम कुश्यमित्र सुंग था, और उसे बेगत मौर्य के साकेत में भेजा। वहां पर कुश्यमित्र सुंग ने वेदरथ मौर्य को धोखे से मारा। तब हमारा मूल निवासी 10वां राजा मारा गया, तभी से इसका नाम दशहरा रख दिया। दोस्तों अगर आपकी ये बात समझ में आई हो तो हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। जय भीम।